चर्चा करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल यानी कि जिसको हम लोग एबी कैपिटल के नाम से जानते हैं उसके रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों अभी अभी क्वार्टर फोर के नतीजे आ गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल के, तो कैसे रहे नतीजे उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सीधे आगे मूव कर रहे हैं रिजल्ट्स की तरफ। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग मूव करेंगे सीधे आदित्य बिरला कैपिटल के रिजल्ट्स की तरफ। ये देखिए दोस्तों 7:30 बजे बोर्ड मीटिंग आउटकम हुई और अभी अभी फाइल अपलोड कर दी गई है। दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं क्विकली और एक्सपेक्टेड है कि दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट जाएगा। हम लोग दोस्तों कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखेंगे स्टैंड अलोन को ना देखते हुए, क्योंकि कई जगह से रेवेन्यूज इनका आता है। यस दोस्तों ये आ गए कंसोलिडेटेड फिगर, ये फाइल मैंने ज़ूम कर दी दोस्तों। यहाँ ये सारे फिगर क्रोड्स में दिए गए हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों टोटल इनकम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम फर्स्ट पैरामीटर होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सब यहाँ पर दोस्तों 6620 की फिगर रही टोटल इनकम, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखें तो इनकम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लगभग 20% के आसपास का जंप, वहीं लास्ट ईयर से भी बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों देख सकते हैं कि पहला जो पैरामीटर था टोटल इनकम, उस पर ये शेयर बिल्कुल खरा उतर रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में ही इनकम में जंप है। अब दोस्तों टोटल एक्सपेंसिव ऑब्वियसली इस क्वार्टर में ज़्यादा हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तो वो फिगर निकल के आती है 608 की, जो कि यहाँ पर 751 यानी लास्ट क्वार्टर मुकाबले थोड़ा सा कम। वही दोस्तों लास्ट ईयर से देखें तो 20% का जंप है, यानी ईयर ऑन ईयर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट जंप हुआ है। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखें तो 461 की फिगर है, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 450 की फिगर है, जो कि लास्ट टाइम 576 थी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 375 ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसी वजह से ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट ठीक है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट है। तो अगर हम इसका आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट देखें तो ये अपने सपोर्ट पर ही है दोस्तों, 99 रुपीज़ का सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक कर गया तो दोस्तों 80 रुपये के आसपास का सपोर्ट बनेगा। तो अब हम लोग 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉसेस लेके चलेंगे और अपसाइड क्योंकि रिजल्ट अच्छे गए हैं तो हम लोग 125 to 127 के टारगेट लेके चलेंगे। ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।